पत्थरबाजों के परिवार को सलमान ने दिए लाखों रुपए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अयूब हल्द्वानी दंगों में पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे लोगों के परिवार को पैसा दे रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद हालात सामान्य हुए तो उसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा। वीडियो में युवक हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से बातचीत करता है। युवक सहायता के नाम पर पीड़ितों को रुपए बांटता है। ये हल्द्वानी की वही गलियां हैं जहां 8 फरवरी को पथराव हो रहा था। पुलिसकर्मी, पत्रकार और स्थानीय लोग घायल हो रहे थे। इसके बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 10 दिनों तक कर्फ्यू लगा था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला सलमान अयूब से कह रही है कि मेरा बेटा जेल में है। सलमान ने तुरंत बिना किसी देरी के काले रंग के बैग से पैसों की गड्डी निकालकर महिला के हाथों में थमा दी और कहा कि जाओ अपने बेटे को छुड़वा लो। जेल में है आपका बेटा? जेल में है, ठीक है, बेटे को छुड़ा लो, बेटे को छुड़ा लो। अल्लाह की तरफ से? किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। साथ ही सलमान खुद को अल्लाह का बंदा बता रहा है। पैसे बांटते हुए कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको बता दें कि दंगाइयों के घरों में भी सलमान ने पैसा दिया है। जो पुलिस वालों में पथराव करने में शामिल थे, 500, 200, 100 और 50 के नोटों के बंडल बंधे हुए नजर आ रहे हैं और बंडल के बंडल सबके हाथों में सलमान पकड़ाता जा रहा है। सलमान ने पैसे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया में डाल दिया है। वीडियो में ये भी नजर आता है कि सलमान लोगों से बातचीत में उनके लिए बड़े बड़े काम करने की बात कहता है और वहीं कई लोग सलमान के पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोगों ने सलमान के साथ फोटो भी खिंचवाई। आपको बता दें कि सलमान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ऐसा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने हल्द्वानी में पीड़ितों को रुपए देकर एक वीडियो बनाया। काले रंग के बैग में 500, 200 और 100 के नोट के बंडल बंधे हैं। वहीं इस मामले पर नैनीताल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है। पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने युवक को छोड़ दिया है। बता दें कि हल्द्वानी दंगों का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला अब्दुल मलिक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 16 दिन बाद अब्दुल मलिक को दिल्ली के पते से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभी अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोइन फरार है, जिस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।